कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसात। दोस्तों पहाड़ों की गोद से कई साल पहले भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्रीज को एक ऐसा सितारा मिला जिसकी आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कबीर सिंह। पर जावां, बजरंगी भाईजान जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल की। जुबिन नौटियाल एक ऐसा नाम है जिसे सुन दिलों और दिमाग में रोमांटिक सॉन्ग की धुन घूमने लगती है। उनके हर गाने को उनके फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्रीज ने दिल खोलकर प्यार दिया है। चाहे वो फिर साल 2014 में आया उनका पहला गाना एक मुलाकात हो या फिर शेर शाह का राता लंबिया हो, उन्होंने फिल्मों के अलावा कई एल्बम गाकर भी अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीता है। इमोशनल गानों के लिए पहचाने जाने वाले इस मशहूर आर्टिस्ट का बहुत ही जल्द एक और सॉन्ग रिलीज होने वाला है जो कि इस साल की सबसे मस्ट अवेटेड मूवी गदर 2 में हमें सुनने और देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, हाल ही में जुबिन नौटियाल ने दैनिक भास्कर से अपने नए गाने के बारे में बात की है। उनसे पूछा गया कि उनके आने वाले गानों की जानकारी दीजिए, तो उन्होंने बताया कि उनके फिल्मों में आने वाला वो है गदर 2। जी हां दोस्तों, जुबिन नौटियाल ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनकी आवाज हमें गदर 2 मूवी में सुनने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि जुबिन नौटियाल ज्यादातर ओल्ड सॉन्ग के ही रिमेक लाया करते हैं, तो ऐसे में ये सॉन्ग भी गदर के पहले पार्ट का सॉन्ग उर्जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके हो सकता है। जैसा कि मेकर्स ने अभी कुछ महीने पहले ये साफ तौर से कहा था कि गदर 2 फिल्म में हमें पहले पार्ट के दो गाने सुनने को मिलेंगे, उर्जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके। तो आप कितना एक्साइटेड हैं गदर 2 मूवी में जुबिन नौटियाल की आवाज को सुनने और देखने के लिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसे फिल्मी न्यूज सुनने के लिए अपने चैनल फिल्मी हिंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।